सुंदर सुहावन तिलक त्रिपुंड माल मन भावन राजित मणि मुक्तन उर माला सुंदर पिक्षत्री हमें दे न दाता मन का विश्वास कमजोर होना क्षत्री हमें प्रमुख व्यक्तित्व श्री अतुल दुबे जी आज के जो मुख्य अतिथि हैं उन्हीं की श्रेणी में हमारे वो दादी और मामा हैं जिनका आज जन्मदिन है। आप और बाबा लोग और दादी लोग इधर सामने बैठे हुए सब बाबा लोग और दादी लोग हमारी टीम के सभी मेंबर्स और आज हमारे सिंह साहब की सिंह साहब के सौजन्य से जो हमारे कुछ नए अतिथि आए हुए हैं आप लोग नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम जिस तरह से आपको दिखाता है कि लखनऊ में क्या खास हो रहा है, तो इस समय हम लोग सरोजिनी नगर वृद्धा आश्रम में, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आज उनके 5 साल पूरे हुए और साथ में वृद्धा आश्रम में दादा दादियों का जन्म उत्सव मनाते हुए उनको 3 साल पूरे हो रहे हैं। तो जिला अध्यक्ष हमारे साथ में हरिप्रकाश सक्सेना जी, उनसे बात करेंगे कार्यक्रम के बारे में, वो क्या कहेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अर्चना जी। मैंने तो आपको बहुत बहुत बताई, दो कामयाबी की, एक तो आपका 5 साल पूरा हुआ, दूसरा दादा दादियों के साथ में जन्म उत्सव मनाते हुए आपको 3 साल पूरा हुआ। बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक्स आपको। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का लखनऊ सेंटर मैंने अकेले खोला था 2018 दिसंबर में, और उसके बाद ये टीम ऐसी बढ़ती चली गई यहाँ के कार्यशैली और कार्य पद्धति देखते हुए कि आज इस ये रूप विराट रूप ले लिया है। और जिस टीम स्पिरिट से यहाँ काम हो रहा है वो वास्तव में अनुकरणीय है और एग्जाम्पलर है। आपने जैसे बोला अकेला आप नहीं होते, आप अगर एक है आपके साथ में ये खड़े तो 11, वो 111, वो 1011, इस तरीके से आपके साथ में एक एक बढ़ता जाएगा तो पूरा देश आपका हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। अब इस कार्यक्रम की जहाँ तक बात है, आपने पहले भी हमारे कार्यक्रम का कवरेज किया हुआ है। ये हम लोगों ने 3 साल पहले सोचा था कि हम क्यों ना हर महीने दादी और बाबा का कुछ मनोरंजन के लिए उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करें। हमारा मेन मोटो इसके पीछे सर ये था कि हम दादी और बाबा के साथ कुछ टाइम स्पेंड करें और इनके कुछ क्षण जो हैं वो मनोरंजन के क्षण हों या अपनी चिंताओं और अपने इतिहास से दूर हों। उसमें हम बहुत सक्सेसफुल हुए हैं और इतना ये लोकप्रिय कार्यक्रम हो गया है कि हर दूसरे रविवार को दादा दादी और बाबा को ये इंतज़ार रहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन अपनी टीम के साथ आ रहा होगा। बहुत खुशी है इस बात की, बहुत अच्छा लग रहा है इस सफल प्रयास के लिए। तो हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में अतुल जी हैं, तो अतुल जी से बात करेंगे किस तरह से उनको ये अतुल्य जो क्षण है उनके साथ में, जिस तरह से उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 35 साल हो गए, 35 साल में उनको ये आज का दिन बहुत अच्छे से यादगार रहेगा और उनके लिए खास बन गया ये दिन, तो सर क्या कहना चाहिए। ये तो भाव विभोर हो गया हूँ, स्पीचलेस कहना चाहिए। मैंने इसीलिए कहा कि हम लोग इनका जन्मदिन मनाने को आते हैं, अगली 26 जून को ये मेरा जन्मदिन मनाएंगे, मैं टीम के साथ आऊँगा इन लोगों के लिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। तो सर कैसा लगा आज आपको? स्पीचलेस बहुत। तो सर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कहना चाहेंगे? ऑर्गेनाइजेशन साधुवाद है कि जितना वो कर रहे हैं शायद ही कोई, अभी मैंने आसपास देखा इतना अनुकरणीय कार्य किसी ने नहीं किया, बहुत अच्छा। और मैं चाहूँगा ऐसे ये करते रहें और मेरी शुभकामना है कि इनका आयु लंबा हो, जैसे ये कार्यक्रम लंबे खिंचे। आपने अपने संबोधन में भी कहा नर काया में इन्होंने नारायण सेवा का काम किया। बिल्कुल बिल्कुल, नारायण का नारायण का रूप ही है ये, मान के चलिए इनको नर मत मानिए, नर में इतनी शक्ति नहीं है कि कंसस बे में 4 साल से 5 साल से लगातार करेगा। बहुत से लोग यहाँ आए होंगे जन्मदिन मनाने के लिए इनका, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 3 साल कंसस बे में लगातार बना रहे हो,
कोई एक बार आके आ गया, कोई दो बार आके आएगा, लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा लगातार कर रहा है, इसके लिए तो साधुवाद है। कुछ इस तरह से आपने सुना कि अतुल जी ने कहा अगले साल अपना जन्मदिन वो इन लोगों के साथ में मनाएंगे, तो जिन पदाधिकारियों का आज सम्मान किया गया है 5 साल संस्था को पूरे होने के लिए, तो क्या कहेंगे, तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? धन्यवाद। मैं अध्यक्ष प्रशासन हूँ और जब से जुड़े हैं इस संस्था के साथ तो यही लग रहा है कि हाँ कुछ करने का सौभाग्य मिला है। पहले तो नौकरी करते थे, काम करते थे और दूसरी जिम्मेदारियाँ उठाते थे, लेकिन ये काम मतलब मेरे को ये लगता है कि जो हम लोग पूजा पाठ वगैरह करते हैं और वो सब करते हैं उससे भी कहीं जाके ये ऊपर है। वो तो करना ही चाहिए क्योंकि हमारे हिंदू माइथोलॉजी में है कि हमारे देवी देवताओं को नियमित रूप से पूजना चाहिए, पूजा अर्चना करनी चाहिए, करते हैं हम लोग। मैं एक मंदिर से भी जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ का संचालक हूँ और बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ। हाँ लेकिन ये मतलब थोड़ा हट के लगता है कि हाँ ये मतलब ये है, मतलब असली सेवा यही है, यही है। धन्यवाद। मैं हरिओम अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष यहाँ पर हूँ। सितंबर 2021 और इससे पहले 2 महीने पहले हम लोगों ने प्रोग्राम जो मनाने के लिए सोचा था, बहुत मन में ऊह पोह थे, काफ़ी लोगों से मीटिंग हुई, इस अंदर सोचते रहे ये प्रोग्राम सक्सेस होगा नहीं होगा, क्योंकि नया था और जो जिस तरह का यहाँ का माहौल है उसमें इन लोगों के साथ जन्मदिन मनाना एक बहुत ही चैलेंज वाली बात थी। और शुरू में वाकई में 2 महीने 3 महीने जब यहाँ आए थे, उन लोगों को कमरे से बुला बुला के लेके आते थे, बहुत ही डिप्रेस रहते थे, उनको बैठाते थे तो वो रोते रहते थे। तो धीरे धीरे जब 2 महीने 3 महीने में जब निस्वार्थ भाव से ये काम चलता रहा और उन लोगों में उत्साह देखा, ये देखा कि भाई हम लोग निस्वार्थ भाव से इनके साथ समय बिताना चाहते हैं, तो इनका रिस्पांस मिलता रहा। और ये धीरे धीरे करते करते 1 साल 2 साल 3 साल किस तरीके से बीत गए पता ही नहीं चला। अब पहले हमें इंतजार रहता था कि हम जाके यहाँ जाएँ, अब वहाँ से इन्हें इंतज़ार रहता है कि कब ये आएँ और कब हमारा जन्मदिन मनाएँ। तो ये एक बहुत ही अतुलनीय क्षण है और ये मैं कहता हूँ कि हम लोग सेवा करना ये नहीं है, ये तो इन लोगों ने सेवा का मौका दिया है और भगवान ने हमें एक माध्यम बनाया है सेवा करने के लिए, तो हम भगवान के लिए और इन लोगों के लिए शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमें इस तरह मौका दिया। 5 साल हो गए, मैं शुरू से ही सक्सेना के साथ जुड़ा हुआ हूँ, केवल ये तो एक कार्यक्रम है, इसके अलावा कोविड टाइम में भी बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए जहाँ पर हम लोगों ने अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वस्त्र का डिस्ट्रीब्यूशन करना, जहाँ जहाँ जो भी हेल्प हो सकती थी वो करने के लिए हम जाते रहते थे। और भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है, हम भगवान के लिए बहुत कहें कि रिटायरमेंट हो गया, समय खाली था और उस खाली समय को हम जो है इधर उधर भटकने से बेटर है, उन्होंने इस तरीके से हमें काम में लाए, तो उसके लिए हम बहुत ही भगवान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और इन सबों के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि ये कैसे ही रहें, खुश रहें और हमेशा जो है हम लोगों के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। और हम सर आप क्या कहना चाहेंगे? आप कई बार ये प्रोग्राम कवर कर चुके हैं, आपने महसूस किया होगा कि लगातार दोनों तरफ से ही बाबा दादी का भी उल्लास बढ़ता जा रहा है और हम लोगों का भी उसी वे में बढ़ता जा रहा है। इस उल्लास की भावना जो आ रही है या जो वाइब्स हम लोगों में आ रहे हैं, इसे शब्दों में व्यक्त करना तो इतना आसान नहीं है, इसे केवल महसूस ही किया जा सकता है। और क्योंकि आप भी हमारे साथ आती रहती हैं तो आपने भी इस चीज़ को महसूस किया होगा और इसी खुशी के साथ मैं ये कामना करता हूँ कि सभी बाबा दादी खुश रहें, स्वस्थ रहें और जो वो खुशी इस जन्मदिन मनाने पे महसूस करते हैं उसे वो और ज़्यादा महसूस करें। धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए हम सब सेकेंड इनिंग में है भाई, फर्स्ट इनिंग हम लोग की पूरी हो चुकी और हम लोग का समय अब अपने जीवन के साथ साथ दूसरे के लिए भी करने का है। मैं इस समय 2 चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ग्रामीण युवा युवतियों को रोजगार मूलक बनाने के अभी काम मैं कर देखता हूँ स्टेट में पूरा, और दूसरा मैं जो खाली समय मिलता है उससे उसमें मानव अधिकार से जुड़ के और ये सब करता हूँ। इसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा पेशेंस भी है कि बुजुर्गों की सेवा करना, गरीब बच्चों की सेवा करना, गरीबों की करना, तो वो करता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक अलग ऊर्जा मिलती है, एक अलग आशीर्वाद मिलता है और एक ताकत अंदर से मिलती है कि हम कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएँ
इन सब बुजुर्गों के लिए है और यही चाहते हैं कि आशीर्वाद इनका भी बना रहे, हमको ऊर्जा मिलती रहे, हम इनके लिए कुछ करते रहें जीवन में, यही उद्देश्य है, यही भावना है। धन्यवाद। तो महिला शक्ति से ही बात करेंगे कि उनका भी सम्मान करा गया है, तो क्या कहना चाहेंगी, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के कैसा लगा? तो मैम क्या कहना चाहेंगी? भाग्यशाली हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हूँ और इस संस्थान में इस इन लोगों की आके सेवा करती हूँ, और अभी बस मुझे इंतज़ार है इनको खेल खिलाने का, जो इनके लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, वही मस्ती देखनी है मुझे इनके चेहरे पर। बस यही बात हम भी कह रहे हैं कि हम लोगों की तो बस उत्सुकता है कि कब इन लोगों के साथ हम लोग गेम्स खेलें। इन लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गेम तैयार करके लाए हैं और मन कर रहा है फटाफट इनके साथ खेलें। जन्मदिन के बाद सेलिब्रेशन? हाँ, बहुत बहुत अच्छा प्रिपरेशन कर रहा है हमने उसके लिए। सरप्राइज है आप लोगों को? बहुत अच्छा, समय तो सब पे आना, सबकी खुशी अपने अपने लफ्जों में आप बयान, समय सब पे आना है, हम पहले जुड़ गए, हकीकत को समझ रहे हैं। अब ऐसा लगता है कि छोटी सी कोशिश है हम लोगों की, अभी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन फिलहाल जो उन्होंने कहा अतुल दुबे जी ने, वो बात हमें बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पे मतलब वृद्धों की संख्या कम होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत छोटी कोशिश है, बस ये है कि हाँ ये चलती रहे हमेशा, बस सबसे अच्छी बात। बहुत ही आनंद आया, मैं 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, मेरे को तो इतना मज़ा आता है हर बार, मैं कभी मिस नहीं करना चाहती, आगे भी बढ़ाना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ हर साल मैं इससे अच्छा से अच्छा हम लोग करें इस संस्था के लिए। तो दादा दादी जी का जन्मदिन मनाया गया, उनसे बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जिस तरह से उनका जन्मदिन मनाया गया तो उनको कैसा लगा? तो ये बताइए, आपका जन्मदिन आज मनाया गया, कैसा लगा? अच्छा लगा। दादी जी आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। तो जिस तरह से दादा दादी के चेहरों पे भी एक अलग सा उल्लास है, तो आज हम आपको लेकर के आए थे सरोजिनी नगर में के वृद्धा आश्रम में, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मानव अधिकार सुरक्षा एवं संरक्षण ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मनाया गया दादा दादी का जन्म उत्सव मनाया गया। जन्म उत्सव मनाते हुए संस्था को 3 साल हो गया और आज संस्था का 5वां साल ही मनाया गया, जहाँ पे उनके पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, और हमने संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारियों से ही बात करा कि संस्था से जुड़ के उनको कैसा लगा। सभी ने कहा कि ऐसी संस्था से जुड़ करके उनको बहुत अच्छा लगा और वो निरंतर इस संस्था से जुड़े रहेंगे और मानव अधिकार के रूप में वो कार्य करते रहेंगे। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे जानना चाहूंगी, धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।